नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आवास अधिवास का महत्व। जैसे कि प्रश्न है, आवास अधिवास का महत्व स्पष्ट कीजिए। जैसे कि आवास का महत्व या अधिवास का महत्व। उत्तर है आवास अधिवास का महत्व। जो आवास होता है या अधिवास होता है, जहाँ पर लोग निवास करते हैं, उसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि के प्रभाव तथा प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, आंधी, तूफान आदि से बचने के लिए। जैसे आवास की जरूरत, जैसे जो महत्व है वो क्या है कि सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि के प्रभाव हैं, या जैसे प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, आंधी, तूफान आदि से बचने के लिए तो हमें आवास की ज़रूरत होती है। जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि का प्रभाव है, या प्राकृतिक प्रकोप हैं जैसे बाढ़ होगा, आंधी, तूफान, इससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए, आवास या अधिवास चाहिए। तो यह इसका महत्व है आवास का या अधिवास का। दूसरा है हिंसक पशुओं से सुरक्षा पाने के लिए। अब हमें आवास की ज़रूरत क्यों होती है, तो हिंसक पशुओं से सुरक्षा पाने के लिए, जैसे कि जो हिंसक पशु हैं उनसे सुरक्षा पाने के लिए आवास की ज़रूरत होती है या महत्व है। जो तो क्या, जैसे हिंसक पशु है और उससे बचाव के लिए क्या कार्य कर सकते हैं हम, कि अपने आवास में सुरक्षित आ सकते हैं और अपने दरवाज़ा बंद कर दें, जिससे उससे हम रक्षा अपनी कर सकते हैं स्वयं। तो हिंसक पशुओं से सुरक्षा पाने के लिए अपने रक्तवंश के सदस्यों के साथ एक ही स्थान पर मिलजुल कर आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु। अपने रक्तवंश अर्थात जो परिवार के सदस्य हैं, जो वंश है उसके जो सदस्य हैं, उनके साथ एक ही स्थान पर मिलजुल कर रहेंगे और आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु। तो जो अधिवास का महत्व है वो यह है कि जो अपने रक्तवंश के सदस्य हैं या परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ एक ही स्थान पर मिलजुल कर रहे कि आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।